हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ज़बरदस्त बारिश हो रही थी तो मैंने ये क्लिप आपके लिए कैप्चर किया, और आपने शायद कबूतर की आवाज़ नोटिस की होगी। जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है ना, तो जो एसी का जो एक्सटर्नल यूनिट होता है उस पर कबूतर आके बैठ जाते हैं मेरी बालकनी में बारिश से बचने के लिए, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी। और कितना प्लेजेंट लगता है, नेचर, नेचर इज़ ब्यूटिफुल। तो बस आज मैंने डिसाइड किया है हेयर कलर करने के लिए। यूजुअली मैं हेयर कलर करती हूँ बेसिक ग्रे कवरेज के लिए, और टचअप करती हूँ मैं, फुल लेंथ कलरिंग नहीं करती हूँ। तो इसके लिए यूजुअली मैं जाती हूँ सैलून, पर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं खुद से कर लेती हूँ। और फिर क्या होता है ना, हम लोग जब घर में कलर करते हैं तो हम जितना एरिया देख पाते हैं, यानी कि सामने सामने के जो बाल होते हैं उनको हम लोग अच्छे से कलर कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे के साइड के बाल होते हैं ना, जिनको हम नहीं देख सकते, वो उतने अच्छी तरह से कलर नहीं होते। हालांकि वो उतने ज़्यादा यू नो ग्रे भी नहीं होते, पर स्टिल मैं अगर एक दो बार खुद से कलर करती हूँ तो आई मेक श्योर कि अगली बार मैं सैलून जाऊँ एक एक्सपर्ट के हाथों से कलर करवा लेने से, फिर जो सारा मतलब बाल है ना वो एक कलर के हो जाते हैं। तो आप बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर में करना चाहें तो हेयर कलरिंग इज़ वेरी इजी। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा टाइम लगता है, और हाथ ऐसे ऊपर करके रखने में कभी कभी दर्द हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत आसान है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा कलर मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं लॉरियल का कलर यूज़ करती हूँ। और इसमें एक कलरेंट आता है, एक डेवलपर का बॉटल आता है, और एक इस तरह से प्री कलर का सॉल्यूशन आता है, वो कलर करने से पहले आपको बालों में लगाना होता है। एंड देन वही मैनुअल ग्लव्स और कंडीशनर जैसे बाकी सभी में आता है। तो मैं तो यूजुअली पूरा पैकेट ले लेती हूँ। आप चाहें तो इसे दो बार में या तीन बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बाल कितने बड़े हैं और आपको कितना कलर चाहिए। और सभी कलर्स पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप मिक्सचर तैयार कर सकते हो। पर मैं ये बोलूँगी कि आप है ना पहले थोड़े से शुरू कीजिए, थोड़ा मिक्सचर बनाइए, आपको ज़रूरत पड़े तो बाद में और बना लीजिए, क्योंकि फिर फेंकना तो अच्छा नहीं है यार। 500 550 का एक आता है ये, तो इतना नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। जो अवॉइड किया जा सकता है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो कलर करने के लिए बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली बालों के ना चार पार्टीशन किए जाते हैं, यानी कि नाक की सीध से लेकर पीछे तक एक लाइन खींच लीजिए, और फिर आगे के बालों के दो हिस्से और पीछे के बालों के दो हिस्से, तो इस तरह से कलर करते हैं। पर घर में हम पीछे के बालों को तो देख सकते नहीं हैं, तो उसमें दो हिस्से तीन हिस्से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं सामने से मिडिल पार्टीशन करती हूँ, और फिर एक तरफ के बालों को इस साइड और उस साइड दोनों तरफ से कलर करते हुए आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। तो और सेक्शंस बहुत पतले बनाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, कम कम कलर लीजिए, लेकिन सेक्शन पतले पतले बनाइए। तो यही प्रोसेस है, ऐसे आप हाथ को ऊपर उठा के रखते हैं कई घंटे, मतलब 30-40 मिनट तो लग जाते हैं अगर आप बिगिनर हो तो। इसी वजह से थोड़ा सा घर में कंटाल आती है, मतलब कंटाल इज़ अ गुजराती वर्ड, यानी कि बोरिंग लगता है घर में कलर करने, तो इसलिए मैं यूजुअली बाहर चली जाती हूँ। पर इतना बारिश वारिश हो रहा है तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए घर में कलर कर सकते हैं ना। तो मैंने सोचा मैं कर ही रही हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ। यूजुअली मैं पहले बहुत अपना माथा और कपड़े काले कर लेती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुझे आदत हो गई है किस तरह करना है, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कलर आप जो ब्रश में लेते हैं, एक तो मैंने बहुत लोगों को देखा है ब्रश से लगा लेते हैं कलर, उससे नहीं लगाना है डियर। ये जो हेयर ब्रश आता है ना कलरिंग के लिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, कुछ उसके लिए अलग से टूल होते हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्ट अगर आप घर पे कलर करते हैं तो लगाइएगा ब्रश से ही। और जैसा मैंने बताया, ब्रश पे कम कम कलर लीजिए, लेकिन बालों के पतले पतले सेक्शन पे इधर भी और उधर भी दोनों, जैसे अभी मैंने ये बाल लिफ्ट करे हैं तो मैं नीचे जो बाल हैं उन पे भी कलर करूँगी, और ये जो मैंने लिफ्ट करे हैं इन पे भी थोड़ा थोड़ा कलर करूँगी। तो एक साइड से हो जाने के बाद इन सभी बालों को मैं लॉक कर दूँगी, और सेम प्रोसेस दूसरी साइड के कलर्स पे रिपीट, दूसरे साइड के हेयर पे रिपीट करूँगी। और पीछे का हम देख नहीं सकते हैं तो रैंडमली कलर कर लीजिए,
और आप चाहे तो पीछे शीशा रख के देख देख के कर सकते हैं, पर मुझे somehow ये तरीका फीजिबल नहीं लगता। तो जैसा मैंने आपको बताया, पीछे का अगर ठीक से नहीं भी हो पाता तो इट्स ओके, वहाँ पे ग्रे उतना ज़्यादा होता भी नहीं है। और आप 2-3 होम एप्लीकेशन के बाद एक बार जाके सलोन में करवा सकते हो, तो वो बहुत अच्छा सा टचअप दे देते हैं। और एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको बताती हूँ, आप जब भी कलरिंग करना शुरू करें ना, तो माथे पे ना वैसलीन लगा लीजिए या मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। इससे आपके बाल कलर करते हुए जो भी कलर माथे पे या कान पे जाएगा ना, वो हटाने में आसान रहेगा। तो पहले से ग्रीस कर लीजिए, कैसे हम होली में प्रिकॉशन लेते हैं ना कि कलर ना चढ़े, तेल वेल लगा लेते हैं, तो उसी तरह से आप वैसलीन मॉइस्चराइज़र आपके माथे पे यानी कि हेयर लाइन पे और कान पर लगा लीजिए। तो अगर बाई चांस आपसे लग भी जाता है तो उसे रिमूव करना ईजी रहेगा। तो इस तरह से पतले पतले पार्टीशन करते जाइए। और हैंड ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। ये वाले हैंड ग्लव्स तो बॉक्स में ही आए थे, पर कुछ कुछ बॉक्स में हैंड ग्लव्स नहीं आते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, बहुत मल्टीपर्पज़ होते हैं ये प्लास्टिक के हैंड ग्लव्स। और फिर बाद में आप इस तरह से कॉटन बॉल ले लीजिए और जितना भी कहीं इधर उधर कलर लग गया है उसे हटा लीजिए, बहुत ईजिली हट जाएगा, कोई निशान भी नहीं आएगा। एंड देन यूजुअली जैसे आप हेयर वॉश करते हो, हेयर वॉश कर लीजिए, कंडीशन करना ना भूलें। एवरी टाइम यू कलर योर हेयर ना, ज़रूर से बालों को कंडीशन कीजिए। और मेरे बाल अच्छे से कलर भी हो गए, आप देख सकते हैं स्कैल्प पे बिल्कुल कलर नहीं बैठा है, ना ही मेरे फेस पे कहीं भी कलर आया है। तो ये धीरे धीरे आपको भी परफेक्शन आ ही जाएगा। तो बस लगी हूँ मैं शाम का काम करने, वैसे तो मैं डिनर ही बनाने आई थी, मुझे शाम के लिए कुछ नहीं बनाना था, बट मेरे बच्चे चॉकलेट केक की फरमाइश कर रहे थे और शायद मैंने कई महीनों से चॉकलेट केक नहीं बनाया था। केक तो मैं बनाती रहती हूँ, पर बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक ही होता है, तो बस मैं उसी की तैयारी करने लगी थी। ये चॉकलेट मोल्ड रिंग है, इसको मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले आपका जो चॉकलेट मोल्ड कह रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, केक मोल्ड को पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए। और इसके बाद लगा दीजिए आपका जो अवन है उसे प्री हीटिंग पे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, और 1 कप मैदा के सामने 3/4 कप जैसी चीनी जा सकती है, ऑल डिपेंड्स कि आप कितना मीठा खाते हैं। मैंने यहाँ अंदाजे से 1/2 कप चीनी ली है क्योंकि मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी। इसके बाद 1/8 मेजरिंग स्पून लिया था मैंने सोडा, और 1/4 मेजरिंग स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और 2 टेबल स्पून मेजरिंग स्पून यहाँ पे मैंने लिया है कोको पाउडर, और थोड़ा सा नमक। आप अगर बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक मत डालिएगा, पर मैं ऑयल डाल रही हूँ इसलिए मैंने नमक डाला है। और फिर इसको अच्छी तरह से छान लीजिए, सारा जो गुठलियाँ वुठलियाँ हैं वो तोड़ लीजिए, इस मिक्सचर को एकदम यूनिफॉर्म और एयरी कर लीजिए। और आप इसको पहले से ही इस तरह अच्छी तरह से मिला के रख लीजिए, इसको किसी भी गीले सामान में मिलाने से पहले। और मैं हमेशा 2 बोल लेती हूँ, आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं, एक वेट इन्ग्रीडियंट्स के लिए और एक ड्राई इन्ग्रीडियंट्स के लिए। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स तैयार हो गए, आप पढ़ेंगे वेट इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। 1/2 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और 1/4 कप तेल। अगर आप दूध नहीं डाल रहे हैं केक में तो 1/3 कप तेल लीजिए, 1/3, लेकिन मैं दूध डाल रही हूँ इसे मैंने 1/4 कप यहाँ पे ऑयल लिया है। 1/2 कप कंडेंस मिल्क मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये एगलेस केक है इसलिए कंडेंस मिल्क यहाँ मैं डाल रही हूँ, और लगभग 1 टेबल स्पून जैसा मैंने 1 टीस्पून जैसा वनीला एसेंस और 1 घर के चम्मच जैसा विनेगर, मैं दही नहीं डाल रही हूँ इसमें। और दूध जो है ना, मैं बिल्कुल आपको मेजरमेंट नहीं दूंगी यहाँ पे, क्योंकि दूध कितना भी लग सकता है, बस मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी बताऊंगी, उसके क्लोज आपको जितना भी दूध लगे आप उतना ले सकते हो। तो थोड़ा दूध पहले डाल के इस मिक्सचर में आप बीट कर लीजिए, जिससे मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, और जब आप इसमें पाउडर इन्ग्रीडियंट डालोगे तो आपको मिक्स करना आसान रहे। और मैं आपको बता रही हूँ कि कम ही दूध डालेगा, क्योंकि अगर दूध कम है तो ऊपर से आप मिला दोगे, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सारा का सारा जो मिक्सचर है ना ड्राई वाला, वो पूरा फिर से आपको बनाना पड़ सकता है, और इससे आपका केक बिगड़ने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। तो मैंने जो ड्राई इन्ग्रीडियंट सारे मिक्स करके रखे थे, इसमें ये जो वेट वाला मिक्सचर बनाया था ये डाल दिया है, और अब इसको कट एंड फोल्ड करके मैं मिक्स कर लूँगी। आप थोड़ा सा इसको मैन हैंडल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको प्रोसेस मत कीजिए, वरना ग्लूटेन अराइज हो जाएगा और आपका केक बहुत डेंस और थिक बनेगा।
तो आप देख सकते हो इसे कहते हैं सैटन कंसिस्टेंसी, सैटन लेस जैसा रिबनी कंसिस्टेंसी, ऐसा पतला रिबन जैसा आपका बैटर गिरे, बस इतना ही आपको दूध डालना है। जितने भी केक एगलेस होते हैं उन्हें आप बहुत पतला मत बनाइएगा वरना वो ठीक से राइज नहीं होते हैं। तो प्री ग्रीज्ड मोल्ड में मैं इसको डाल देने वाली हूँ। जो आपका ओवन है ना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसे प्रोसेस शुरू करने से पहले ही प्री हीटिंग पे रखिए, 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट इज इनफ। और ये केक बेक होगा 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए, डिपेंड्स आपके ओवन पे भी 40 मिनट भी लग सकते हैं। और जब तक वो बेक हो रहा है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉस मैं बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया है और इसको मीठा करने के जितना ही मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, और एक चम्मच जैसे मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है। अब मुझे इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, गरम करना है, ठीक है। तो मैं तो जो ये सॉस बना रही हूँ ये एकदम सिरप जैसे होने वाला है, इसलिए मैं इसमें कॉर्न स्टार्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए ना तो आप इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिएगा तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मैं जानबूझ के इसको एकदम सिरप जैसा रखना चाहती हूँ, एकदम लिक्विड, क्योंकि मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि मैं इसको जो मेरा केक बनने वाला है ना उस पर पोर कर दूंगी तो केक इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और केक बहुत मॉइस्ट बनेगा। बट देन लेटर ऑन मैंने आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को आने में कई घंटे लगेंगे, तब तक केक काफ़ी सॉगी हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप तो बिल्कुल इसी तरह कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड सिरप बनेगा ये इस तरह से आप करते हैं तो। और अगर आपको थिक चाहिए ना, जैसे मार्केट में क्रीम होती है गनाश, तो आप इसमें एक चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल लीजिएगा पकाने के वक्त और ये थिक हो जाएगा। तो इसमें उबाल आते ही मैंने तो इसे बंद कर दिया है, आप कॉर्नस्टार्च अगर डाल रहे हैं तो उबाल लाइएगा जैसे कस्टर्ड पकाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह। और मैंने ऐड किया था ये थोड़ा सा ना कॉफ़ी पाउडर, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और इधर मैं आपको केक दिखाती हूँ, केक मेरा टू बी प्रिसाइज 34 मिनट्स में बेक हुआ था 180 डिग्री सेल्सियस पे, और टूथपिक इज़ कमिंग आउट क्लीन, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और मैं इसे थोड़ा सा कूलिंग टाइम दूंगी, मैं इसे सब तरफ प्रिक कर ले रही हूँ जैसा मैं आपको बता रही हूँ। मेरा प्लान था कि मैं इसके ऊपर ये जो लिक्विड है ये पोर कर दूंगी, तो इससे क्या होगा, जैसे आपने एकदम चॉकलेट रिच वाले केक खाए होंगे ना, तो कैसा मॉइस्ट होता है, एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी, वो मेरा प्लान था। बट देन सडनली आई रियलाइज्ड कि मेरे हस्बैंड को आने में वक्त लगेगा और केक तब तक बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। आप चाहें तो इस तरह प्रिक करके आप जो सिरप आपने बनाया है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर डाल दीजिए, लेकिन आपको ये तभी कंज्यूम कर लेना होगा क्योंकि फिर ये बहुत सॉगी होता चला जाएगा। या फिर आप चाहें तो ये जो आपने सिरप बनाया है इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये वाला सिरप भी फ्रिज में रखने से 1.5-2 घंटे में गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें बस मैं फाइनली ऐड कर रही हूँ ये सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट, और ये सिरप अभी गर्म ही है तो मैं इसमें चॉकलेट डालूंगी तो चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन इसको अब मैं ठंडा होने तक का वेट करूंगी। इसको ठंडा होने के लिए मैं रखूं उससे पहले मैं इसे छान लूंगी अच्छी तरह से, और इसके बाद ये रूम टेम्परेचर आ जाएगा, बस मुझे उतना ही ठंडा करना है। आप अगर इसको फ्रिज में रखते हो तो ये थिक होता चला जाएगा, और अगर आपने इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया है तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, और अगर आप कॉर्न स्टार्च मिलाते हो तो शायद आपको रेफ्रिजरेट करने की बहुत लॉन्ग ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉस बहुत अच्छी लगती है, और जो केक है ना हमारा वो एक बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज है, आप इस स्पॉन्ज को मल्टीपर्पज़ तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, पर हम लोग इसे केक की तरह ही खाने वाले हैं। तो वो जो स्पॉन्ज है ना ये सिरप को बहुत आराम से अब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ही मॉइस्ट और चॉकलेटी आपका केक बनेगा। तो आप देखिए मैं किस तरह सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह भी सर्व कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया पूरे केक के ऊपर एक बार में ये सिरप आप पोर कर सकते हो। मैं आपको चॉकलेट केक काट के दिखाती हूँ कि कैसा इसका टेक्सचर आया है। तो इस बार मैंने चॉकलेट केक जो है वो विनेगर से बनाया है, और विनेगर से भी बहुत अच्छा मॉइस्ट भी, और उससे भी ज़्यादा तो स्पॉन्जी आपका केक बनता है। ये देखिए कितने अच्छे जालिए आए हैं और कितना ये सॉफ्ट है, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ये वापस अपना फॉर्म ले रहा है, एकदम पिलोवी सॉफ्ट केक ये बना है और बहुत टेस्टी बनता है। एक टिप आपको मैं देना चाहूँगी, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो ना केक, तो जितना मैंने आपको कोको पाउडर बताया है 2 चम्मच, उतना ही
लगेगा, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो 3-4 चम्मच कर सकते हैं। ये थोड़ा और बिटर साइड चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली चॉकलेट का टेस्ट वही होता है। अगर आप चॉकलेट लवर हो तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, एंड दैट टेस्ट ऑसम। आपने क्या सोचा इसको नाम क्या दोगी? पता नहीं क्या नाम है इसका। चॉकलेट बॉम्ब। आंटी लोग को बताओ कि उन्हें ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए। क्यों ट्राई करना चाहिए? क्योंकि ये टेस्टी है। And how about the cake? Cake भी अच्छा है मम्मा। हाँ मम्मा। मैं पहले पूरे केक के ऊपर डालने वाली थी सॉस, फिर मुझे याद आया पापा को आने में अभी वक्त लगेगा, सारा केक सॉगी हो जाएगा। Then I dropped the idea. अच्छा किया, नहीं तो फिर मशीन सॉगी केक बन जाता। पर मम्मा जब आप सैंडविच को बाइट खिलाई थी ना, तो मुझे सही में लग रहा था कि आपने कहीं बाहर से कहीं से मंगवाया है। एक बात बताऊँ आपको, आई थिंक अब मैं बाहर के केक खाने में छोड़ूंगी। अच्छा हाँ, पर हम लोग तो बहुत ही ओकेजनली मंगाते हैं। नहीं आ रहा पापा के साथ। You liked it ना? बस मेहनत बस जा जाके बिजी हो जाओ, मैंने खाना बनाना है। इसलिए मम्मा ये बहुत अच्छा था। अरे अच्छा खाना बनाओ तो तुम प्यार करोगे मुझे ज्यादा? नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको प्यार करते हैं। चलो ओके खुशी। और इसके बाद एज़ यूजुअल डिनर प्रिपरेशन। डिनर में बनाई थी मैंने एक बहुत ही अच्छी वाली आलू की सब्जी, इसकी डिटेल रेसिपी मैं आपको दूंगी अगले व्लॉग में। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो। रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई कीजिएगा, एंड आई इंसिस्ट प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। आप आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी आज की सिंपल बट बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल थाली थी ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।